ये है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इस साल जो मना रहे हम। इसका शुरुआत हुआ था 15 मई अहमदाबाद से, और अहमदाबाद में हमारा टोटल 75 लोगों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ये एक यूनिक ऐसा अवार्ड है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उसी को ही हम सम्मानित करते हैं इसके अंदर। तो हमने 15 मई को अहमदाबाद में जो अवार्ड फंक्शन किया था उसी को अंदर हमने 50 लोगों का सत्कार किया और 50 लोगों का यहाँ किया है, जिसके अंदर पद्मश्री जोरावर सिंह यादव, फिर यहाँ हमने जो हेमराज शाह जी है जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनको हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है। ऐसे 20 से 25 कैटेगरी में हमने 100 लोगों का सत्कार किया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जीनियस फाउंडेशन अभी तक 3000+ रिकॉर्ड कर चुकी है, और 15 लाख लोग हमारे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि पूरे इंडिया से 50 लोग यहाँ आए थे, पूरे इंडिया से 50 लोग अहमदाबाद आए थे। तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि लोग आए, और ऐसे ही हम ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहेंगे और लोगों को सम्मानित करते रहेंगे। ये हमारा जीनियस फाउंडेशन का एक टारगेट है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि देश के कोने कोने से इतना नायाब वीरा सुन के ला रहे हैं, तो और इसका सहयोग होता है? ये अलग अलग कैटेगरी में बच्चों, जैसे हमने किड्स को रिकॉर्ड जो अवार्ड दिया है हमने, वैसे अलग अलग कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, म्यूजिक कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट, ऐसी 25 कैटेगरी के अंदर हमने ये अवार्ड दिया है। और इस बार हमने कोरोना वॉरियर्स को भी दिया है, तो केतन रावल जी जो है, मेजर नितिन जो है, उनको हमने इस बार कोरोना वॉरियर्स भी दिया है। तो ऐसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्लस हमारे गुजराती फिल्म एक्टर हितेन कुमार, उनको भी हमने अवार्ड दिया है। फिर फिरोज ईरानी साहब आए थे, उनको भी हमने अवार्ड दिया है। तो ऐसे इंडस्ट्री के सभी लोगों को लेके हम चल रहे हैं, और ये एक अच्छा सा अवार्ड फंक्शन आज खत्म हुआ। वहाँ भाव भी हो गया ऐसा मुझे लग रहा था। ये एक हमारा एक छोटा सा गांव है, गरीब लड़का है जो जिसका नाम है मधुकर कामले, जो बारूड बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो गोंधर बोलते हैं, वो डांस करता है। तो कोरोना में उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, वो वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहा था कि मेरे पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, मैं कैसे करूँ। हमने यहाँ से जितनी भी मदद पहुँचा सके, मेरे दोस्तों को वहाँ बोला हमने, और उनको जितना भी खाना पहुँचा सके इतना पहुँचाया। पर मैं बहुत इमोशनल हो गया था आज कि इसकी ऐसी हालत हो गई थी। उसने ये हॉस्पिटल में जाके डांस शुरू किया वापस, और ये अगले लेवल पे आज हमने फिर से उसको कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड दिया है। पहले वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ले चुका था, आज हमने उसको कोरोना वॉरियर्स का सही रिकॉर्ड दिया है, उसकी मुझे आज खुशी है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपका जो सफर है 6 और 7 साल का जो सफर है, कुछ बारे में सर बताइए, किस प्रकार से ये शुरू हुआ था और यहाँ तक पहुँचा? एक्चुअल हमने 2014 में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। मैं खुद मल्टीपल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, और मैंने भी खुद पहले रिकॉर्ड किए हैं, इसके बाद हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करते, क्योंकि मैं गिनीज बुक के साथ भी काम कर चुका हूँ, लिम्का बुक के साथ भी काम कर चुका हूँ, तो इसके बाद आज हमारी कंपनी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर हमने 3000+ रिकॉर्ड और 15 लाख लोग पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। पर हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम सिर्फ इंडियन लोगों का ही सत्कार करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड से जो NRI लोग हैं और पूरे इंडिया से 15 लाख लोग हमसे जुड़े हैं, ये हमारी उपलब्धि है। तो आज हमारा ये 20 साल हमारा ख़त्म हो रहा है, और इसके साथ ये जीनियस अवार्ड का भी आयोजन सफलपूर्वक हमने 6 साल से कर रहे हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। और ब्रॉड करेंगे और फैलाना चाहेंगे इंटरनेशनल लेवल तक, ऐसा कुछ विचार है? हाँ, अभी जो हमारा ये जीनियस अवार्ड जो है, लोगों ने बोला है कि आप इंडिया के बाहर भी लेके आइए, तो हमारा प्लान अभी इतना बड़ा भी नहीं है कि हम करें, पर हम गोवा से अभी नेक्स्ट टाइम हम गोवा में प्लान कर रहे हैं, और शायद हम बैंकॉक भी कर सकते हैं और दुबई कर सकते हैं, ऐसा हमारा प्लानिंग है। सर, जीनियस फाउंडेशन के बारे में बताइए सर, और इसके अलावा क्या कुछ काम कर रही है? जीनियस फाउंडेशन एक्चुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर जो अचीवर्स है उसको एक प्लेटफॉर्म देना, एक अलग लेवल पे ले जाना, प्लस स्पेशली एबल जो बच्चे हैं, स्पेशली एबल लोग हैं, हमने ब्लाइंड लड़कियों को भी एडॉप्ट किया हुआ है,
ऐसे स्पेशली एबल आज दिग्विजय सिंह आया था, वो हमारा एक शॉर्टेस्ट बॉडी बिल्डर आया था, तो ऐसे गांव के लड़के को हमने उठाया है। ये जीनियस फाउंडेशन ये प्लेटफॉर्म दे रहा है उनको। जिस काम को सरकार को करना चाहिए वो काम आप लोग कर रहे हैं, तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट नहीं, सरकार हमारा सपोर्ट कर ही रही है इसके अंदर, सरकार ने ही हमको सपोर्ट किया है ये सब चीज़ों में, तो सरकार का सपोर्ट रहता ही है सभी में। और स्पेशली एबल जो हमारा जीनियस फाउंडेशन का ये जो हमारा प्रोग्राम आगे होने वाला है उसमें भी सरकार ने हमको सपोर्ट करने का बोला है कि आपके जीनियस फाउंडेशन में जो स्पेशली एबल के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सरकार भी सहयोग करने वाली है। आने वाले समय में सर क्या कुछ और रिकॉर्ड्स करने वाले हैं? नहीं, अभी हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो अभी हमारा टारगेट है 5,000 ले जाने का ये साल में, और नेक्स्ट ईयर भी हम प्लान तो यही करेंगे कि मुंबई, अहमदाबाद और अलग कोई सिटी में हो, पुणे या दिल्ली, तो हम अलग अलग सिटी में प्लान अभी सोच रहे हैं कि भी करेंगे ऐसा जीनियस है वो। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, इतना ये जो इस तरह का सम्मान मिलता है तो कितना प्रोत्साहन आपको आप लोगों को मिलता है, कितना मनोबल आप लोग का बढ़ता है? आगे भी बहुत बढ़ेगा। सोलंकी जी ने बहुत हेल्प किया, हमें बहुत हेल्प की। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? प्रतीक विठल मोहिते, मैं वर्ल्ड शॉर्टेस्ट कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हूँ और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। पवन सोलंकी सर की और मेरी 2 से 3 साल पहले मुलाकात हुई थी कॉल पे, पहले हम कभी मिले नहीं थे, आज हम मैं पहली बार उनसे मिला और उन्होंने मेरे को स्पेशली कॉल करके बोला कि ये अवार्ड है, आप वहाँ पे आओ अपना बेस्ट दिखाओ, तो उन्होंने मेरे को सम्मानित किया, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, तो एक बॉडी बिल्डर का खर्चा बहुत होता है, जैसे कि डाइट का, और किधर बाहर कंपटीशन खेलने के लिए जाना रहेगा तो उसके लिए भी मतलब खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि एक डिसेबिलिटी पर्सन जो होता है जैसे कि एक हैंडीकैप बॉडी बिल्डर होता है, तो हम लोगों के साथ एक बंदा चाहिए होता है हमें हेल्प के लिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम बॉडी बिल्डिंग का मतलब कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, तो हम 20 से 25 दिन घर का बनाया हुआ खाना नहीं खाते, मतलब हम खाली सैलेड्स, प्रोटीन्स और जो बाकी डाइट्स होती है उसके ऊपर हमारा सब कुछ चलता है। और लास्ट के जो 3 दिन रहते स्टेज पे जाने से पहले, तो उससे पहले हमें 3 दिन वाटर कंट्रोल करना होता है, मतलब 3 दिन हम पानी पीते ही नहीं है, 2 दिन हम पानी कम पीते हैं, लास्ट के दिन हम पानी पीते ही नहीं है, तो इतनी मेहनत लगती है। और आप सबको पता रहेगा कि एक बॉडी मेंटेन रखने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, और ये समस्या है कि हमें इतना करने के बावजूद ना ही स्पॉन्सर्स मिल रहे कहाँ से, और ना ही गवर्नमेंट की किधर से हेल्प हो रही है। मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ और वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया है, तो मेरा गवर्नमेंट को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके थ्रू मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो एक मैं मतलब मेरे को हेल्प हो जाएगी। और मेरा एक सपना है कि मेरे को मिस्टर वर्ल्ड के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल लाना है। मेरा ये भी सपना था कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के मेरे देश का नाम रोशन करूं, तो मैंने फाइनली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज किया है, तो इससे मैं काफ़ी हैप्पी हूं और आगे मेरी मेहनत जारी रहेगी। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि आदमी अगर दिमाग से स्ट्रांग हो तो उसे कोई नहीं हरा सकता, तो हमें दिमाग से स्ट्रांग रहना है। हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और प्रॉब्लम्स चली जाती है, जैसे कि उजाला होता है तो अंधेरा भी होता है, तो उसी तरह से हर एक के लाइफ में यही चलता रहता है। तो अगर आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती है तो कभी निराश नहीं होना है, तो यही मैसेज है मेरा, छोटा सा मैसेज है।
अगर मतलब मैं बोलने में कुछ अगर गलती से कुछ गलत बोला होगा तो दिल से सॉरी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रशांत गौरवी है और मैं आपके से बिलोंग करता हूँ और मैं एक साल में पर्सन हूँ। मेरा ऑन ड्यूटी मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे दोनों पैर चले गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारते हुए नकली पैर के सहारे मैंने इस कार रेसिंग में 4000 नॉन स्टॉप मैंने अचीवमेंट किया है, वो भी मेरे सहयोगी दिग्विजय सर के साथ। हमने नॉन स्टॉप 4000 किलोमीटर गुजरात भुवनेश्वर से तो अरुणाचल कामों तक हमने 4000 किलोमीटर अचीवमेंट किया। और इंजीनियर फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर नमस्कार। और मेरा यही कहना है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुझे 2 साल की आयु में पूरी बॉडी में पोलियो हो गया था और मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ, और लेकिन पिताजी के पॉजिटिव सोच के कारण मुझे नहीं लगा कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कोई काम नहीं जहाँ तक व्यक्ति सोच सकता है वहाँ तक वो कर सकता है। और मेरी अपर बॉडी कवर हो गई थी, मेरा हाथ ठीक हो गया लेकिन पैर नहीं ठीक हो पाए। उसके बाद मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ था लेकिन वो चीज़ लोगों की प्रतिक्रिया के कारण चल नहीं पाई ज़्यादा आगे तक। लेकिन जब मैं 6वीं-7वीं तक पहुँचा तो पिताजी ने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि सब हो सकता है। और उसके बाद मैंने नॉर्मल लोगों के साथ ड्राइव करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे कार रेसिंग में मुझे अचीवमेंट मिलना शुरू हुआ और ये मेरा 3रा विश्व रिकॉर्ड है जिसमें मैंने और प्रशांत ने मिलकर 4000 किलोमीटर की दूरी कोटेश्वर गुजरात से और काहो अरुणाचल प्रदेश तक, जो हमें 80 घंटे का टाइम दिया गया था, 76 घंटे में मैनुअल गियर बॉक्स कार से कंप्लीट की नॉर्मल लोगों के साथ। और मैं इसमें जीनियस फाउंडेशन और अपने आदरणीय पवन सोलंकी सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया और उसे एक ऐसा मंच दिया कि ये हमारा अचीवमेंट दुनिया देख सके। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहती है, इसमें बद्रीवास बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने हमारा फाइनेंशली सपोर्ट किया क्योंकि इतना खर्च उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज आपके पास बैठने का एक अवसर प्रदान किया। जी सर, मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत लंबा समय होता है 80 घंटे के, जी सर, क्या बीच में रोका जाता है, क्या बहुत ज़्यादा किस चीज़ की मुश्किलें आती हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और देखिए, ये वास्तव में नॉन स्टॉप होता है। इसमें हम लोगों ने, बाकी लोगों ने हमें हल्के में भी लिया कि यार ये दोनों पर्सन व्हील चेयर यूज़र हैं, अगर ये इतना उतरेंगे वॉशरूम जाएंगे ये करेंगे इतना तक तो बहुत डिस्टेंस इनको हम लोग दे देंगे। लेकिन हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं, हमने और दूसरे रास्ते ढूंढने शुरू किए। हम वॉशरूम के लिए हमने बॉटल का यूज़ किया चलती गाड़ी में, और फ्रेश होने के लिए हम 76 घंटे तक गए ही नहीं, बिल्कुल भी ना हमने खाना खाया, केवल पानी और ड्राई फ्रूट्स के सारे पूरी जर्नी कंप्लीट की। तो ये नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप ही था। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं केपी सिंह जिला समाज का अधिकारी हूँ, पीलीभीत से, उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। और जीनियस फाउंडेशन पवन सोलंकी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि अवगत हैं कि यहाँ जो अवार्ड फंक्शन मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें हमारे ज़िले को सम्मानित किया गया है क्योंकि हमारे ज़िले ने जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे जी के नेतृत्व में बांसुरी महोत्सव में सबसे, विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी बना करके रिकॉर्ड दर्ज किया था 16.05 फीट का। तो उसमें एक टीम वर्क के रूप में हमने काम किया था जिसमें लीडरशिप हमारे जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे जी की रही, मैं एज अ प्रोजेक्ट ऑफ नोडल ऑफिसर के रूप में हमने वर्क किया, रईस खान जी ने बांसुरी निर्माता थे जिन्होंने बांसुरी का निर्माण किया, और सहयोग के रूप में जो हमें मदद मिली, जो स्पॉन्सरशिप मिली, वो हमारे परविंदर सैमी साहब द्वारा सपोर्ट किया गया। इस तरह से हमने एक टीम वर्क के रूप में आज आपको अवार्ड दिया है, सम्मान किया गया, क्या आप बोलना चाहेंगे? पहले नाम बताऊं? मेरा नाम हेमराज शाह है, मैं बम्बई में रहता हूँ और बम्बई में गुजराती समाज भवन इमारत यहाँ खड़ी की है हमने। सब जगह हिंदुस्तान के सब शहरों में गुजराती भवन था, बम्बई में नहीं था। बम्बई में हमने गुजराती समाज भवन की स्थापना की और 7 मरले का अंधेरी के पास गुजराती समाज भवन कराया, और इस आज मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, इसलिए मैं पवन भाई का और जीनियस फाउंडेशन का आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।
और मेरा अवार्ड गुजराती समाज को अर्पण करता हूँ। जी सर, आपसे ज़्यादा चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम फिरोज ईरानी है, कलाकार हूँ, हिंदी गुजराती हर जगह टीवी। खैर, आज ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जिन लोगों को अवार्ड दिया गया, आई वॉज सो शॉक्ड, मुझे इतना अच्छा लगा, दिल पे ये बात छू गई कि पवन भाई इतनी मेहनत करके चुन चुन के ऐसे कलाकारों को लाए हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाए हैं, ऐसे लोगों को लाए ढूंढ ढूंढ के, जो और कहीं अवार्ड में मैंने नहीं देखा अभी तक। और मैं दिल से बहुत खुश हुआ कि इन्होंने जिन लोगों को अवार्ड दिया वो ज़रूर इसके हकदार थे। और हेमंत भाई तो हमारे बहुत पुराने हैं, हमारे यहाँ के गुजराती समाज के भी हैं आगे, और इन्होंने जो आज गुजराती समाज के लिए किया बहुत बड़ी बात है। और वैसे मैं बम्बई में भी रहता हूँ और मेरा घर अहमदाबाद में भी है। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप? मैं गुजरात के जामनगर शहर से बिलोंग करता हूँ, एंड आई एम द ओनली इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज़ होस्ट इंडियन फ्लैग इन जर्मनी, और ये गौरव प्राप्त किया हुआ है, उसका लिए जो सम्मान पवन जी ने और जीनियस फाउंडेशन ने मेरा किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और मेरे जैसे कई लोगों को प्रेरणा मिले कि वो और भी बेहतर करे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की ख्याति बढ़े, वैसे ही उनकी शुभकामनाएं, और वैसा ही उनका प्रोत्साहन रहे तो और भी और आगे लोग और भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को, गुजरात को, हमारे पूरे देश को इंडस्ट्री में भी हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। आपको किस काम में सम्मानित किया गया? आई हैव माय 5 पेटेंट्स, मेरे खुद के 5 पेटेंट है, और उसकी वजह से जर्मनी में भी मेरा एक्सपोर्ट है, एंड दैट इज़ द रीज़न जर्मनी हैज़ गिवन एज एन अपॉर्चुनिटी टू होस्ट एन इंडियन फ्लैग इन जर्मनी, एंड इट इंडियन फ्लैग विल रिमेन इन जर्मनी। थैंक यू। गर्व की बात। जी सर, आपसे जाना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? दिल्ली से जिला टीम अवार्ड के लिए आपको सम्मानित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम मनीष धमेजा है, मैं लखनऊ से स्पेशली आया हूँ। मेरे नाम कई सारे अवार्ड्स हैं, एक है मुझे किंग ऑफ पॉइंट्स बोला जाता है, 1 मिलियन से ऊपर मेरा पॉइंट्स कलेक्शन है जिसमें मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित करा जा चुका है। और एक किंग ऑफ क्रेडिट कार्ड बोला जाता है, मेरे पास 1600 कार्ड हैं सारी बैंकों के, तो उसके लिए भी मुझे सम्मानित किया गया है। और एक तो मेरे नाम सबसे कम एज में सबसे ज़्यादा डिग्री का भी अवार्ड है, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारे अभी तक 51 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो मुझे डॉक्टर पवन जी का फ़ोन आया कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे नहीं पता कैसे ढूंढा मुझे, पर मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कैसे खोज निकाला मुझे। और स्पेशली 2-3 दिन पहले ही उनका फ़ोन आया तो इमीडिएटली मैंने बुक की टिकट, तो आज मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ, यू नो, जीनियस फाउंडेशन इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब, तो हमें अच्छा लग रहा है। और हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिसके लिए मैं पुनः पूरी टीम को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। 16 फीट से बड़ी बांसुरी बनाकर पीलीभीत का जो रिकॉर्ड बनाया, उसका जो मैं टीम का हिस्सा बना हूँ, उससे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और मैं पुलकित खरे जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने इस कार्य के लिए चुना। साथ में सोलंकी जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि वो ऐसे अवार्ड्स देने के बाद में और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, और लोग मोटिवेट होते हैं, ये एक अच्छा प्रयास है। मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रयास सोलंकी जी के होते रहें और हम सब लोगों की हिम्मत बढ़ती रहे और हम नए नए रिकॉर्ड बनाकर अपने देश प्रदेश को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।